कुछ लोगों के पास घूमने का बहुत शौक होता है। क्या आप जानते हैं, अपना घर बिना छोड़े आपको एक ना भूलने वाला अनुभव मिल सकता है। मेरे पीछे आओ, तुम इसे पसंद करोगे, मैं वादा करती हूँ। क्या आप घूमने और लंबी पैदल यात्रा का सपना देखते हैं? सोफे पर लेटना और मैगजीन में रोमांच के बारे में पढ़ना बंद करो, चलो इसे असली बनाते हैं। तैयार हो जाओ, यहाँ हमारे बैग पैक्स हैं। हमें सभी चीजों को साथ लेने की जरूरत है, कुछ भी मत भूलना जिसकी तुम्हें जरूरत हो। अच्छा, मुझे लगता है ये सब हो गया, आओ चले। ओ, बाहर इतना अंधेरा और ठंड है। भर सर्दी, मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। हम अपने आरामदायक सोफे पर वापस क्यों नहीं जाते, ये घर में कितना अच्छा है। हो इस हाइक को भूल जाओ। वैसे घर छोड़े बिना कैंपिंग करना कैसा रहेगा, ये कुछ अच्छी आइडियाज हैं। तो हम कहाँ से शुरू करें? सबसे पहले सोफे को हटाएं ताकि ये दीवार के सामने आ जाए। एक कंबल लें, इसे सोफे पर रखें और इसे ड्राइंग पेन से दीवार पर लगाएं। देखो, हमारे पास पहले से ही सोफे पर छत है। दीवार को एलईडी लाइट से सजाएं, ये आरामदायक होगा। एक मजेदार माहौल बनाएं सोफे के साथ। शेल्फ पर एक लैंप, एक ग्लोब और किताबें रखें। अब एक टेबल के लिए एक आइडिया, उसके नीचे कंबल खींचें, सिरों को बाहर निकालें और उन्हें बांधें। अब एक ठोस रस्सी लें, गांठों को साथ बांधें, काउंटर टॉप पर झूला लटकाएं, टेबल को दो कंबलों से कवर करें, पेग से उन्हें टेबल के कोनों पर पक्का करें। ओ, मेज के नीचे एक आरामदायक झूला, इसे इंडोर पौधों से सजाएं। अब ये बिल्कुल सही है, आपका अपना निजी ट्रॉपिकल कोना। मैं यहाँ रहना चाहती हूँ, पूरा आराम। अब कमरे के कोने से फर्नीचर हटा दें, दीवार को भी साफ करें। एक पंप लें और एक एयर मैट्रेस, इसे फुलाएं। एक पेचकस इस्तेमाल करके दीवार में रस्सियों के साथ स्क्रूज लगाएं। रस्सी के खुले सिरों को नाइट स्टैंड के पैरों पर बांधें। रस्सियों को अच्छी तरह से कसें। अब आप उन पर बेडशीट लटका सकते हैं। उन्हें पेग से पक्का करें। एक पतली कंबल से छत बनाएं। अब बस एक प्रोजेक्टर लगाएं, थोड़े तकिए अंदर फेंकें और एक आरामदायक मूवी थिएटर, पूरा आपका है। फर्नीचर को फिर से कोने से साफ करें और कमरे में एक टेंट लगाएं। हालांकि आपको प्रोटेक्टिव टेंट की जरूरत नहीं है, यहाँ बारिश नहीं होने वाली। एक सॉफ्ट कंबल बिछाएं, तकिए और लाइट का इस्तेमाल करके एक सुखद वातावरण बनाएं और बेशक एक कैट, बस कुछ जरूरी चीजें। कैंडल्स के साथ एक टेबल लगाएं और एक लावा लैंप। मैं आपके बारे में नहीं जानती, पर टेंट में कैट सच में इसे पसंद कर रही है, उसने एक महान कैंपर बनाया। आपको फिर से कुछ जगह की जरूरत है और पुराने अखबारों का एक ढेर, उन्हें तिरछा रोल करें। डक्ट टेप से उन्हें पक्का करें। अब आपके पास बनाने के लिए कुछ है, तीन रोल्स मिलाकर एक ट्रायंगल बनाएं। उन्हें स्टेपल करें। बाकी रोल्स में से और ट्रायंगल बनाएं और उन्हें मास्किंग टेप और डक्ट टेप के साथ एक दूसरे से कनेक्ट करें। इस तरह एक स्ट्रक्चर इकट्ठा करें, एक रहस्यमय गलियारे की तरह दिखता है। इसमें उससे ज्यादा है। वॉलपेपर या क्राफ्ट पेपर का रोल लें, इसके साथ फ्रेम को कवर करें, इसे बेस पर हॉट ग्लू करें।
जब तक पूरा गलियारा पेपर से ढक ना जाए तब तक करते रहे। मगर इस दरवाजे को आखिरकार कब्जे से निकालना बेहतर रहेगा। स्टोन पैटर्न वॉलपेपर से दरवाजा कवर करें। इसे ड्राइंग पिन से दीवार पर लगाएं। एक सजावटी चिमनी के साथ निचले हिस्से को कवर करें। इसे आरामदायक बनाने के लिए शेल्फ पर कुछ कैंडल्स रखें और अंदर लकड़ी डाल दें। चिमनी के पीछे होल को वॉलपेपर से कवर करें। कमरे तक का गुप्त रास्ता तैयार है। कुछ लोगों के वार्डरोब में नार्निया जाने का पोर्टल होता है, पर हमारे पास एक असली कैंपिंग साइट पर जाने के मौके के लिए चिमनी है। वापस हमारे गलियारे पर, इसे एक कपड़े से कवर करें और पेपर की दीवारों में एक गोल होल काटें। अब आपको कुछ फ्लैट कार्डबोर्ड बॉक्सेस की जरूरत है। एग्जिट के पास उन्हें एक आर्च के रूप में सेट करें। आओ अपने बड़े पैमाने पर निर्माण जारी रखें। डेस्क ये सही है, दो डेस्क के ऊपर एक डेस्क और रखें और इसे एक कम्बल के साथ कवर करें। बॉक्सेस के कार्डबोर्ड से निचले डेस्क के पैरों को कवर करें। इसे डक्ट टेप से पक्का करें, फिर मार्ग पूरा करें। कार्डबोर्ड के टुकड़े लें और गलियारे को जारी रखें। हॉट ग्लू से कार्डबोर्ड की शीट्स लगाएं। घर बनाना आसान है। हम पहले से मूवी थिएटर में वापस आ गए। एलईडी लाइट्स लें। कैंची से कार्डबोर्ड की छत में छेद करें। उनमें लाइट्स डालें। हो, ये बहुत सुंदर है। अंदर लाइट्स चमक रही है, लेकिन निर्माण जारी रखें। अखबारों से बने गलियारे में रस्सियों से रुकावटें बनाते रहें। हमें एक असली एडवेंचर चाहिए। फिर चिमनी में चढ़ें। इसके पीछे रहस्यमय मार्ग है। मैं हैरान हूँ कि ये कहाँ जाता है। मैं यहाँ फंसना पसंद नहीं करूँगी। हम रेंगने जा रहे हैं। यही वो है जिसमें आप एक बहुत आम कमरे को बदल सकते हैं। और ये सबसे सरल सामान से बना है। मैं मान नहीं सकती कि कुछ घंटे पहले यहाँ कुछ भी नहीं था। और अब कमरा गुप्त रास्तों से भरी जगहों में बदल गया है। वैसे ये लुका छुपी खेलने के लिए एकदम सही जगह है। मैं मान नहीं सकती कि ये इतनी जल्दी हो गया। मैंने ये सब अपने आप किया। खो मत जाना, कितने आरामदायक स्टॉप्स हैं। उत्सुक लोगों के लिए बिल्कुल सही। आपको कुछ प्रिवेसी मिल सकती है और किताब पढ़ सकते हैं, या आप एक टेंट में फिल्म देख सकते हैं। झूले पर स्नैक्स ले सकते हैं। हमें पता चल गया, एक आम कमरे को कैंपिंग साइट में बदलना आसान है। और टेंट सच में एक शानदार वातावरण बना रहा है। ऐसा लग रहा है कि इससे बाहर आप एक तारों भरा आसमान देखेंगे। घर छोड़े बिना भी आपके पास इतने सारे रोमांच हो सकते हैं। ये अच्छी बात है कि हम कैंपिंग में नहीं गए। हम अभी कहीं ठंडी लकड़ियों में जम रहे होते। हमें कुछ सेल्फीज लेना याद रखना चाहिए। हर कोई सोच रहा होगा कि मैं कहीं दूर कैंपिंग कर रही हूँ। घर में कैंपिंग करना बिल्कुल ठीक होगा। ये मेरे बचपन में वापस जाने का एक शानदार मौका है। ठीक है, ये बच्चे आ गए। एक चिमनी, ये यहाँ पहले नहीं थी। ओ, उत्सुक बच्चे, आप उनसे कुछ भी नहीं छिपा सकते। अब वो हमारे कैंपिंग पार्क की सराहना करेंगे। आपको इसकी उम्मीद नहीं थी? हाँ, वो कहते हैं सब खराब है, लेकिन आप उन्हें खाते हैं। शर्म करो। उफ, ये मेरा नहीं है, मुझे फंसाया गया था। ठीक है, अब हम उनके साथ स्नैक्स शेयर करने वाले हैं। वाह, बड़े पर्दे पर एक फिल्म और ऐसे नरम गद्दे पर। ये छोटे खोजी इसे यहाँ बहुत पसंद कर रहे हैं। वो इसे चेक करने जा रहे हैं। बेशक, क्योंकि बच्चे कुछ भी कर सकते हैं जो वो चाहते हैं। रेंगना, छिप कर खेलना, सभी तरह की मुश्किल जगहों पर चढ़ना।
ये छोटे मेहमान तब तक आराम नहीं करेंगे जब तक वो अपनी सारी एनर्जी इस्तेमाल नहीं कर लेते। वो एनर्जाइजर बनी की तरह है और एक प्यारा बोनस है, चॉकलेट अंडे सरप्राइज के साथ। ये बच्चों के लिए एक एडवेंचर है। लेकिन ऐसा लगता है कि छोटे खोजों ने अभी तक यहाँ सब कुछ नहीं देखा। ओह, टेंट! ओह, कितना शांत! हमें बताओ कौन सा बच्चा एक टेंट में नहीं जाना चाहेगा। यहाँ बहुत सारा दिलचस्प सामान है, खासकर लावा लैंप, बहुत बढ़िया। हालांकि अगर आप इसके बारे में सोचें तो ये सिर्फ एक काम कमरा है और कोई भी एडल्ट इस तरह का जादू अपने हाथों से बना सकता है, बस उन्हें विश्वास होना चाहिए। तो क्या आप कैंपिंग करने जा रही हैं? अभी भी अपने कमरे में? आपको किस होम कैंपिंग का आइडिया सबसे ज्यादा पसंद आया हमें कमेंट्स में लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल को दबाएं।